मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। कैरेट लेन ए तनिष्क पार्टनरशिप अब आपके दरभंगा में, आस्था मार्केट मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुल गया। ज्वेलरी मात्र 3000 रुपए के शुरुआती रेंज से। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल कंकाली मंदिर के निकट रामबाग दरभंगा, प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट राजकुमारगंज दरभंगा, अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th, न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th, स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। दरभंगा के लहेरिया सराय प्रेक्षा गृह में 112वें बिहार दिवस समारोह का हुआ भव्य आयोजन। प्रेक्षागृह दरभंगा लहेरिया सराय में बिहार दिवस समारोह 2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर राजीव रोशन के कर कमलों से संपन्न हुआ। जिलाधिकारी को अपर समाहर्ता के द्वारा पार्क चादर एवं पौधा प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिला पदाधिकारी के द्वारा ऑडिटोरियम में नीम का पौधा लगाकर पर्यावरण का संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों और जिले वासियों को भी आगे जाकर पौधारोपण में अपना सहयोग करना चाहिए, इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ रहता है। बिहार दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर स्वीप के लोगों का लोकार्पण किया और अपने सेल्फी पॉइंट में फोटो कराया। उन्होंने कहा कि जिलावासी अपना 100% मतदान करें और जिले को अव्वल बनाएं। 100% मतदान में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की। इस अवसर पर अपर समाहर्ता अपर जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार दास समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। 85 आयु वर्ग से ऊपर के मतदाता लोकसभा चुनाव में अपने घर से ही कर सकेंगे मतदान। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान के लिए 85 आयु वर्ग से ऊपर के इच्छुक और मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। इसकी कड़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देश के आलोक में बूथ लेवल ऑफिसर BLO द्वारा जिले के सभी लगभग 30,064 ऐसे मतदाताओं जिनकी आयु 85 वर्ष से ऊपर हो गई है उन्हें चिन्हित किया गया है। इन सभी मतदाताओं को लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर मतदान के दिन मतदान कर्मी द्वारा उनके घर पर जाकर मतपत्र के माध्यम से मतदान कार्य संपन्न कराएंगे। विदित हो कि 14 दरभंगा संसदीय क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र गौराबौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा एवं बहादुरपुर में 13 मई को मतदान होगा, जहां मतदाताओं की संख्या 17,74,656 है, जिनमें 19,029 ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 85 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। इसमें 7,810 पुरुष, 11,219 महिला मतदाता शामिल हैं। वहीं 23 समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के अंश भाग कुशेश्वर स्थान एवं हायाघाट में भी 13 मई को ही मतदान कराया जाएगा, जहां मतदाताओं की संख्या 5,18,150 है, जिनमें 4,643 मतदाता 85 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के हैं। इनमें 1,983 पुरुष तथा 2,660 महिला मतदाता हैं, जिन्हें घर पर ही मतदान करने की सुविधा प्राप्त होगी। इसी प्रकार मधुबनी संसदीय क्षेत्र के अंश भाग केवटी एवं जाले में 20 मई को मतदान होगा, जहां मतदाताओं की संख्या 6,26,600 है, इनमें 85 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग की संख्या 6,392 है, जिसमें 2,422 पुरुष तथा 3,970 महिला मतदाता हैं, जिन्हें सुविधापूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। मुंबई से दरभंगा आने वाली फ्लाइट पटना डायवर्ट, यात्रियों ने किया जोरदार हंगामा। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां मुंबई से दरभंगा आने वाली फ्लाइट SG-115 को गुरुवार को पटना डायवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट के लैंड होने के बाद यात्रियों ने पटना एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। लोगों ने विमानन कंपनी के ऑपरेशनल मैनेजर पर जमकर अपना गुस्सा उतारा। काफी मशक्कत के बाद यात्रियों को शांत कराया जा सका। फ्लाइट में 183 यात्री सवार थे।
पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट से उतरने के बाद यात्री आरोप लगा रहे थे कि मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें करीब 2 घंटे तक फ्लाइट में बिठाए रखा गया, उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। वहां से काफी विलंब से उड़ान भरने के बाद फ्लाइट को पटना एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया। वहां उन्हें बताया गया कि उन लोगों को बस से दरभंगा रवाना किया जाएगा। कई यात्री कह रहे थे कि उन्हें दरभंगा से मधुबनी, अररिया, पूर्णिया आदि जगहों पर जाना है। देर रात दरभंगा पहुंचने पर उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। बहरहाल फ्लाइट के दरभंगा नहीं पहुंचने से इधर से भी मुंबई जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई। काफी संख्या में यात्री दूर दूर से मुंबई जाने के लिए दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। फ्लाइट को डायवर्ट किए जाने की घोषणा के बाद उन्हें वहां से निराश होकर लौटना पड़ा। दरभंगा एयरपोर्ट के सूत्रों के अनुसार मुंबई से आने वाली फ्लाइट को अपराह्न 3:10 पर दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड करना था। दरभंगा से मुंबई जाने वाले यात्री फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर के बाद यात्रियों को सूचना दी गई कि किसी कारणवश फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है पटना के लिए। यह जानकारी मिलने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्री आक्रोश में आकर विमान कंपनी के कर्मियों से बहस करने लगे। वे जानना चाह रहे थे कि अब वे मुंबई कैसे जाएंगे। कर्मियों ने किसी तरह उन्हें समझाया बुझाया। उधर मुंबई से दरभंगा आने वाले यात्रियों के परिजन एयरपोर्ट परिसर के बाहर इंतजार कर रहे थे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, एकमी घाट, बल्लोपुर, लहेरिया सराय, दरभंगा। A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. नामांकन प्रारंभ, जल्दी करिए, सीटों की संख्या है सीमित। भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI अनुभवी एवं प्रशिक्षित इंजीनियरों द्वारा संचालित दरभंगा जिले का एकमात्र संस्थान, कंप्यूटर ट्रेनिंग की सुविधा, सत्र 2024-2026 में नामांकन प्रारंभ, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष एवं फिटर 2 वर्ष के साथ इंटर साइंस की सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिस टाइम 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक, शुक्रवार अवकाश। हमारे यहाँ नियमित रूप से कैंपस सिलेक्शन की भी सुविधा है। संपर्क करें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्राइवेट ITI अंडर द मैनेजमेंट ऑफ +2 सफ़ी मुस्लिम हाई स्कूल, बेता चौक, पोस्ट DMC, लहरिया सराय, दरभंगा। दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर जानकारी ली जा सकती है। बिहार के सुपौल में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कोसी पुल का स्लैब गिरने से हादसा, स्लैब के अंदर दबे 15 से 20 मजदूर, एक की मौत की खबर, रेस्क्यू जारी। यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आ रही है। बिहार के सुपौल में बड़ा हादसा हुआ है। सुपौल के बकौर और मधुबनी जिले के भेजा के बीच देश का सबसे लंबा सड़क पुल बन रहा है, जिसका 3 पिलर का गाटर अचानक गिर गया। पिलर नंबर 50, 51 और 52 का स्लैब गिर गया है। हादसे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है, कई घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बता दें कि केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 984 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर से भी अधिक लंबे महासेतु का निर्माण किया जा रहा है। अप्रोच रोड मिलाकर पुल की लंबाई 13.3 किलोमीटर हो जाएगी। निर्माण कार्य 2 एजेंसियां कर रही है, इसमें गैमन इंडिया और ट्रांस रेल लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। यह पुल निर्माण दोनों एजेंसी का जॉइंट वेंचर है। पुल का निर्माण 2023 तक पूरा होना था, लेकिन कोरोना एवं बाढ़ के कारण अब यह पुल 2024 में पूरा होगा। तो इस वक्त यह बड़ी खबर बिहार के सुपौल से। सुपौल में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कोसी पुल का स्लैब गिरने से यह हादसा हुआ है। स्लैब के अंदर दबे 15 से 20 मजदूर, एक की मौत की खबर, रेस्क्यू जारी। बलभद्रपुर स्थित शेखर क्लासेज में बिहार दिवस समारोह मनाया गया।
कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने बिहार के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रस्तुति पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी। प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी कर रहे रविशंकर यादव व श्वेता प्रथम आए। प्रियांशु व अंशु द्वितीय, सुरुचि, शिवानी, प्रिया, हरिओम को भी पुरस्कृत किया गया। पीयूष झा, यशस्वी एवं मुग्धा ने अपनी कविताओं से सबका मन मोह लिया। आप संस्थान के आजीवन संरक्षक वी शेखर नेत्रालय ENT अस्पताल के निदेशक डॉक्टर आशीष शेखर ने विद्यार्थियों को इस तरह की प्रतियोगिताओं का महत्व बताया एवं अपना योगदान बिहार के विकास में देने की बात पर काफी जोर दिया। संस्था के निदेशक एवं अंग्रेजी शिक्षक निखिल गौरव ने गौरवान्वित होकर बताया कि कल ही दीपम कुमार मिश्रा नाम के विद्यार्थी ने CRPF के सब इंस्पेक्टर के लिए चयनित होकर हम सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। संस्था के कंप्यूटर इकाई के निदेशिका श्रीमती सुरभि ने सबको धन्यवाद देते हुए विद्यार्थियों को आज के समय में कंप्यूटर व अंग्रेजी के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन श्वेता एवं अंजलि ने किया। कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चे और दर्जनों अभिभावक मौजूद थे। सर्चिंग फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वर्ड्स इंड हियर, नर्चरिंग इंडिया टुमारो, बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल नाउ इन दरभंगा एट जीवछ घाट, बिरला स्मार्ट स्कूलिंग, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जॉयफुल एंड डिजिटाइज्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, थीमेटिक एंड स्टेम बेस्ड इंटीग्रेटेड करिकुलम, एडमिशन ओपन, ज्वाइन द सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। ग्लोरियस 39 ईयर्स ऑफ सर्विस, बिल्ड योर चाइल्ड्स फ्यूचर हियर, डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली अप टू 10+2 लेवल, डेडिकेटेड टीम ऑफ हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, सिक्योर्ड एंड डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल, हरी अप, एडमिशन ओपन एंड एडमिशंस आर फ्री। नेहरू स्टेडियम लहेरिया सराय में कबड्डी एवं ट्राई साइकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 22 मार्च को बिहार दिवस के अवसर पर नेहरू स्टेडियम लहेरिया सराय में दिव्यांग ट्राई साइकिल रेस, मोटर ट्राई साइकिल रेस एवं महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग सहायक निदेशक नेहा कुमारी, जिला खेल पदाधिकारी परिमल एवं जिला खेल सचिव जितेंद्र सिंह एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे। ट्राई साइकिल रेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पप्पू कुमार शाह, द्वितीय स्थान राजन राम, तृतीय स्थान मोहम्मद मुमताज। मोटर ट्राई साइकिल रेस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अमरेश यादव, द्वितीय स्थान कृष्ण मंडल और तृतीय स्थान लक्ष्मण पासवान रहे।